वनडे में क्लीन स्वीप होने पर सानिया मिर्जा ने दिया बड़ा बयान, जिसे सुनकर बॉलीवुड के अन्ना हो गए हैरान। भारतीय टीम का बुरा हाल हो गया है। केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम चाहकर भी एक भी मैच नहीं जीत पाई। ऐसे में टीम केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर राहुल को लेकर सानिया मिर्जा ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी नाराज हो गए हैं, क्योंकि राहुल सुनील के होने वाले दामाद भी हैं। तो दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं, क्या रोहित कप्तान होते तो टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बच जाती? अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार तीसरे वनडे मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम 2022 में पहली जीत की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इस पर पानी फेर दिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। दक्षिण अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक ने 124 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, यह सीरीज अफ्रीका के खिलाफ भारत की 15 साल में ये सबसे बुरी शिकस्त है। भारत और दक्षिण अफ्रीका 1991 से द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेल रहे हैं। इन 31 साल में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत सकी। इससे पहले 2006 में ऐसा हुआ था, तब दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-0 से हराया था। उस सीरीज का पहला मैच रद्द हो गया था। वही दोस्तों, इस बार भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार केएल राहुल को माना जा रहा है। केएल राहुल की खराब कप्तानी टीम के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बनी है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल ने वनडे टीम की कप्तानी की, लेकिन उनके अंदर विराट या रोहित जैसी बात नहीं दिखाई दी। केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया की एनर्जी थोड़ी लो नजर आई, और यही वजह है कि भारतीय टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर नहीं लड़ पाई। वही दोस्तों, भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद सानिया मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है। सानिया ने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल के अंदर कप्तानी में कमी नजर आती है। उनके कई फैसले टीम के खिलाफ गए, साथ ही उनमें खिलाड़ियों में जीत का जज्बा जगाने की कला भी नहीं है। अगर राहुल की जगह विराट या फिर रोहित कप्तान होते तो इस सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता। कम से कम भारतीय टीम को क्लीन स्वीप तो नहीं होना पड़ता। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। कप्तान राहुल 9 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली ने टीम को संभाला। दोनों ने 98 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। शिखर धवन ने 58 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक जमाते ही वो फेहलुक वायो का शिकार हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने पहली ही गेंद पर अपना विकेट गवा दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम दबाव में आ गई। इस बीच विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन केशव महाराज की एक बेहतरीन गेंद उनका भी विकेट ले गई। वहीं सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि टीम इंडिया बड़े अंतर से मैच हार जाएगी, लेकिन दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ पारी खेल मैच में जान फूंक दी। दीपक चाहर ने सिर्फ 31 गेंदों में अर्धशतक लगाया और बुमराह के साथ मिलकर उन्होंने 31 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। हालांकि दीपक चाहर टीम को जीत नहीं दिला पाए।